आज मैं बना रही हूँ इडली रेसिपी। इसको आप बिना मोल्ड के या फिर बिना सांचे के बना पाएंगे, ये उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए बनाने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ उड़द का दाल, और इसको हम अच्छे से 2 से 3 पानी में धोने के बाद भिगोने के लिए रखेंगे। तो उड़द की दाल को मैं 2 से 3 बार धो लूँगी, उसके बाद हम अच्छा पानी डाल के इसको भिगोने के लिए रखेंगे 7 से 8 घंटा के लिए। तो इस तरह से रगड़ते हुए धो लें ताकि इसका जितना भी गंदगी है ये निकल जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छा पानी डाल के भिगोने के लिए रख देंगे। इसमें मैं 1 चम्मच के करीब मेथी के दाने डालूँगी। अभी हमने उड़द का दाल लिया है 1 कप, तो 2 कप आपको चावल लेना है। आप जिस भी कटोरी या फिर जो भी मेजरमेंट कप ले रहे हैं, जिसमें आपने उड़द का दाल लिया है उसी कप में आपको 2 कप चावल लेना है। चावल को भी इसी तरह से हम 2-3 बार रगड़ के धोने के बाद, इसका गंदगी जो निकलने के बाद इसका गंदा पानी बाहर निकाल देंगे, और अच्छा पानी डाल के इसको भी भिगोने के लिए रखेंगे 7 से 8 घंटा के लिए। तो ध्यान रखें कि चावल और दाल को जो है अलग अलग भिगोना है, और 7 से 8 घंटा के लिए कम से कम भिगोने के लिए रखना है। अभी 8 घंटे के बाद हमारा दाल जो है अच्छे से फूल गया है इसमें पानी में, तो ये चावल भी अच्छे से भिगोने के बाद ऐसे हो गया है 8 घंटे के बाद। अभी चावल को हम पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको दरदरा पीसना है। तो इस वीडियो में मैंने हर एक टिप्स बताया है आपको, तो लास्ट में पूरी तरह मैं बताऊंगी। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें, और एक एक टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी इडली भी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर जो है दरदरा चावल को पीसना है, और ऐसे पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना करें। अभी हम दाल को भी इसी तरह से थोड़ा सा पानी डालते हुए एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन मतलब अच्छे से पीस लेना है इसको। दाल बिल्कुल भी दरदरा ना रहे, चावल लेकिन थोड़ा सा, जब हम इडली बनाते हैं तो चावल को थोड़ा दरदरा पीसते हैं, और दाल एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी इतना गाढ़ा होना चाहिए। इडली बैटर आप जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अभी दाल और चावल का पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है इसको फेंटते हुए, और इसको हम 10 घंटा के लिए रखेंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो किसी भी गर्म जगह पर रखें, चाहे आप माइक्रोवेव ओवन में या फिर कोई भी अलमारी में रख सकते हैं। 10 घंटा के बाद ये सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और गर्मियों में बहुत जल्दी खमीर उड़ जाता है। इसमें नमक 1 चम्मच डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छे से फेंटेंगे, और फेंटने के बाद ये इडली बैटर रेडी हो जाएगा। और इसको हम कटोरी में मैं बना रही हूँ, तो आपके पास जो भी कटोरी उपलब्ध है उससे आप बना सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल ग्रीस कर लेंगे। जो भी कटोरी आपके पास है उसी कटोरी में आप बना सकते हैं। तो मैंने सारे कटोरियाँ में तेल लगा लिया है, इसमें हम आधा आधा इडली का बैटर भरेंगे। ये आधा कटोरी में इडली का बैटर भरने के बाद ये देखिए ऐसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एक समान हो जाए। अभी एक कढ़ाई में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी है, और पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें आप एक स्टैंड डाल लें और उसके ऊपर से एक प्लेट डाल लें, जैसे कि कढ़ाई में फिट आ सके। इसके ऊपर से कटोरियाँ डाल के इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम में पकाना है, और 5 मिनट इसको
एकदम सिम फ्लेम में पकाना है। तो 10 मिनट हो चुका है, 5 मिनट मैंने फुल फ्लेम में पकाया है और 5 मिनट सिम फ्लेम में। अभी ये इडली जो है पक गया है अच्छे से। जैसे आप इडली स्टैंड में बनाते हैं उसी तरह ये इडली भी एकदम सॉफ्ट बनती है। इसको आप ग्लास में भी बना सकते हैं, लेकिन ग्लास में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ये पकने के बाद किनारे से छोड़ देता है, और अगर नहीं भी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एक छुरी की मदद से इस तरह से निकालने के बाद चम्मच से हम निकाल लेंगे। ये इडली बनाने की बहुत टिप्स एंड ट्रिक है, इस टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी इडली भी उतना ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। तो जब भी आप दाल चावल भिगोएं तो दाल और चावल को अलग अलग भिगोना है, और दाल आप एक कटोरी लेंगे तो चावल दो कटोरी लेना है, और लगभग 8 से 10 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आपको पीसने के बाद लगभग 12 से 15 घंटा लग जाएगा, और गर्मियों में अगर बना रहे हैं तो 10 घंटे पीसने के 10 घंटे बाद ये बैटर जो है तैयार हो जाता है। इसके बाद भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और आपका इडली कैसा बना है मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।